आज हम वात वैधि का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं। इसमें हम वात वैधि के बारे में बेसिक्स जो गाइडलाइंस है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे 18, 19 और 25 और 26 तारीख को संपूर्ण वात वैधि के ऊपर हमारा लेक्चर्स होने वाला है। उस लेक्चर में हम क्या लेने वाले हैं, उस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, साथ में बहुत सारे लोगों का जो सवाल था कि ये लेक्चर में एक्चुअली ये 4 दिन के लेक्चर में क्या होने वाला है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी लेक्चर होने दो, कोई भी सब्जेक्ट होने दीजिए, उसमें स्टडी कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, किसी भी व्याधि के बारे में हमें जानकारी लेने के टाइम उसकी केस टेकिंग वो कैसे होनी चाहिए, बीएमएस हो जाने के बाद, लास्ट ईयर पास आउट हो जाने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में आधुनिक शास्त्र की डायग्नोस्टिक मेथड दिमाग में रहती है। आयुर्वेद हम 4 साल पढ़ते हैं और उसके बाद हम जब हम प्रैक्टिस में उतरते हैं तो एलोपैथी और आयुर्वेद का एक मिश्रण युक्त हमारे दिमाग में रहता है। डॉक्टर विनय सिंह सर और डॉक्टर निलिमा, आपका वीडियो और ऑडियो ऑफ हो गया। पहले तो मैं शॉर्ट में मेरे बारे में बताता हूं। मेरा नाम वैद्य सचिन मारुति भोर है। मैं पुणे में सुलभा श्री साईनाथ आयुर्वेदिक स्पाइन केयर सेंटर और फर्टिलिटी सेंटर गए 15 साल से मैं रन कर रहा हूँ। साथ में ठाणे, शिकरापुर और नगर अकोले यहाँ पे भी अपना मेरा क्लिनिक है। आयुर्वेदिक वैद्य के साथ में हम प्रैक्टिस करते हैं और इसके साथ में रोग निदान का हो या गर्भ संस्कार का हो या वात व्याधि का हो या नाड़ी विज्ञान का हो, इसके लेक्चर्स मेरे चालू रहते हैं। आज का जो लेक्चर है, जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया है, इंटीग्रल इंडियन ओपीडिया आयुर्वेदिक स्कूल आर्क, इनके जरिए हम आज का लेक्चर और इसके पहले भी हमने थायराइड डिसऑर्डर्स के ऊपर लेक्चर लिया था और 18 और 19 तारीख को हम वात व्याधि परिसंवाद का संपूर्ण वात व्याधि परिसंवाद, एक भी डिटेलिंग उसमें नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन उसके पहले लेक्चर्स शुरू हो जाने के बाद 18 और 19 को तो वो शुरू हो जाएगा, लेकिन जो भी डेलीगेट्स उसमें ज्वाइन होने वाले हैं उनको क्या प्रिपरेशन करना जरूरी है कि जिनके लिए आपको ये लेक्चर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहले तो अष्टांग हृदय, जो मेरा बहुत प्रिय ग्रंथ है, उस ग्रंथ को अगर जो वैद्य आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छा, उनके पास ये ग्रंथ जरूर होगा। जो वैद्य जनरल प्रैक्टिस और आयुर्वेद दोनों मिश्र करते हैं तो प्लीज आप ये ग्रंथ ले लीजिए। तो हम साल भर में सिर्फ अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, साल भर में हम हर एक व्याधि को अष्टांग हृदय के जरिए ही ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम वात व्याधि के बारे में बात करेंगे। तो वात व्याधि में उस ग्रंथों को पढ़ना कैसा है, सूत्र तो सूत्र हम तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जब हमें कोई पर्टिकुलर डिसीज के बारे में अगर जानकारी चाहिए होती है तो मैंने ग्रुप में भी वात व्याधि का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैंने कहा था कि शोथ और शूल ये दो वर्ड में पूरा वात समाया हुआ है। शोथ शूल ये दो वर्ड को सूत्र स्थान से लेके उत्तर स्थान तक रनिंग बिटवीन द लाइन उसको फाइंड कीजिए, कहां कहां पे आपको ये दो वर्ड दिखाई देते हैं उसको राइट डाउन करके ले लीजिए।
कहाँ कहाँ पे? सूत्र स्थान में बहुत जगह पे, जैसे कि दही खाने के बाद अभिशंद शोथ उत्पन्न होता है, या वैसे बहुत सारे जगह पे सूत्र स्थान में शोथ के बारे में कहा गया है और शूल के बारे में भी कहा गया है। साथ में वात व्याधि का इसी प्रकार से, जब आप पूरा अभी 18 और 19 का लेक्चर स्टार्ट होने में अभी भी एक हफ्ता है, तो आप अगर उसमें इस प्रकार से अगर ये दो वर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी, समझी नहीं होगी, वो आपको मालूम हो जाएगी। इसी प्रकार समझो हमारे पास कोई पेशेंट आता है, ज्वर का पेशेंट है, कफज ज्वर का पेशेंट है, उसमें सर्दी है, श्वास है, कास है, शूल है, पार्श्व शूल है, ये सारे लक्षण को आपको कलेक्ट करना है। कोई भी व्याधि हो उसके लक्षणों को कलेक्ट करना है, उस लक्षणों को कलेक्ट करके स्टार्ट टू एंड वो लक्षण आपको कौन कौन से सूत्र में मिलते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। अभी आप कहेंगे उतना टाइम तो पेशेंट को ट्रीट करने में मिलता नहीं है, वो पढ़ेंगे कभी, वो दवा देंगे कभी, लेकिन ये शुरुआत में टाइम लगता है। जब आप बार 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 ऐसे सिम्टम्स को स्टार्ट टू एंड में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको एक 10-12 बार आप वो ग्रंथ को आंखों के नीचे से डाल देते हैं, फिर आपको तुरंत मालूम, एक उसके एक 2 या 3 महीने के बाद जस्ट पेशेंट के सिम्टम्स कलेक्ट करने के बाद आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये सिम्टम्स इस अध्याय के इस कल्प में लिखे हुए हैं। ऐसे हर साल एक ग्रंथ को लेना है, हम जो ये साल हमने अष्टांग हृदय लिया, दूसरे साल में हमने चरक लिया, चरक संहिता लिया, उसके बाद में हमने सुश्रुत संहिता लिया, इस प्रकार से हमें हर एक व्याधि का निरीक्षण करना है। आज हम वात व्याधि के बारे में जब बात करेंगे तो केस टेकिंग के टाइम पे हमें क्या सवाल पूछने होते हैं? केस टेकिंग में गेट से ही, वो जब अंदर से आता है, गेट से ही हमें उसकी अवस्था जानने की कोशिश करना है। देखिए, ये ट्राइगोनल डायग्नोस्टिक्स मेथड है, अगर आपको ये दिख रहा है तो, सबको दिख रहा है ये जो कुछ ट्रायंगल और ये जो डायग्राम निकाला है, इसमें राइट साइड में यकृत है, लेफ्ट साइड में प्लीहा है, बीच की लाइन में मस्तिष्क, हृदय, ग्रहणी और गुद है, यकृत के नीचे रुक्क और जानु। तो समझो अगर हमारे पास राइट साइड का जानु शूल का पेशेंट आता है तो अगर उसको सिर्फ और सिर्फ राइट साइड का ही जानु शूल है तो उसकी यकृत में ज्यादा तरीके की बाधा होने की शक्यता होती है। राइट साइड ये सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट साइड ये चंद्र नाड़ी है, लेफ्ट साइड में प्लीहा है, उसके नीचे रुक्क है, उसके नीचे वाम जानु शूल अगर हम लेंगे, लेफ्ट साइड का जानु शूल है। तो अगर वात और पित्तज अवस्था है तो यकृत की अवस्था है, और अगर वात और कफज की अवस्था है तो प्लीहा की अवस्था है। वात और पित्त की अवस्था में क्षया अवस्था देखी जाती है, घुटनों में आवाज आएगा, कटकट आवाज आना, गर्दन में कटकट आवाज आना, टिंगलिंग, नमनेस होना, ये वात पित्तज की अवस्था है। वात कफज की जो अवस्था है इसमें शूल है, आम है, शोथ है, अमावस्था है, सामावस्था है, ये सारी अवस्था हमें प्लीहा में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अगर गेट से ही राइट साइड का पेन अगर है तो उसकी यकृत में हल्का सा सूजन है, यह हमें अनुमान प्रमाण से मालूम पड़ता है।
उसके बाद जो क्वेश्चन हमें पूछने हैं बहुत ही साधारण सा, जैसे कि रस धातु है भूख लगती है क्या, रक्त धातु है बदन में खुजली वगैरह है क्या, कामला हुआ था क्या, कोई हिस्ट्री में स्कॉर्पियन बाइट, स्नेक बाइट, कैट बाइट, डॉग बाइट, या बचपन में कोई गोवर, मिजल्स ऐसे कोई बीमारी हुई थी क्या, ये रक्त धातु में आपको पूछना है। मांस धातु में पिंडरियों में, मसल्स में, पिंडरियों में पिंडी को दोष्टन वेदना है क्या। मेद धातु में यूरिन में यूरिन की अवस्था कैसी है, कितनी बार होता है, ये आपको पूछना है। वजन भार कितना है। अस्थि धातु में सूजन है क्या घुटनों में या मसल या गर्दन में या जहां जहां पे पेन है उसमें आवाज आता है क्या, शूल है क्या। साथ में खाने में बासी खाना खाता है क्या। मज्जा में टिंगलिंग नमनेस, झंझनाहट होना, ये सिम्टम्स है क्या। फिर उसके बाद ये हुआ सात धातु का। फिर आया प्राण वात। वात में पांच प्रकार है, प्राणोदान, समान, व्यान, अपान। प्राण में सांस लेने में तकलीफ होती क्या। देखिए प्राण वायु जो है वो हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रेन से अधोगत दिशा में जो भी सिग्नल जाते हैं मोटर के वो प्राण वायु है। ब्रेन से अधोगत दिशा में टारगेट ऑर्गन तक, फिर वो सेल टू सेल हो, टिश्यू टू टिश्यू हो या ब्रेन टू टारगेट ऑर्गन हो, वो प्राण वायु है। उदान वायु टारगेट ऑर्गन से लेके ब्रेन तक का जो सिग्नल है वो सेंसरी होगा, वो उदान वायु से कनेक्ट होगा। से टारगेट ऑर्गन से लेके ब्रेन तक का जो भी सिग्नल है जो नीचे से ऊपर जाता है, हमें आज तक यही पता बताया गया है कि नाभि से कंठ तक, नाभि से कंठ तक उदान का स्थान है, लेकिन उदान की व्यापकता बहुत बड़ी है। हर एक जगह पे जो सेंसेशन लेके जाने का जो काम है वो उदान वायु है। समान वायु, समाने अग्नि समीपस्थ, जहां जहां पे अग्नि है, अभी 13 अग्नि है, हमें इतना मालूम है कि जाठर अग्नि है, जाठर अग्नि के बाजू में पाचक पित्त है, पाचक पित्त के वहां पे समान वायु रहता है, ये मुख्य स्थान है। लेकिन सूक्ष्मगत जहां जहां पे अग्नि है वहां वहां पे आपको समान वायु दिखेगा, लेकिन जाठर अग्नि जो मेन स्थान है वहां पे समान वायु का मुख्य स्थान है, जहां पे पाचन करना, अग्नि को प्रज्वलित करना, अन्नम गृहंती पचति विवेचयती, ये कार्य समान से होता है। तो उसमें पेशेंट को पूछना है कि आपको खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है क्या, गैसेस है क्या, अजीर्ण होता है क्या, गुल्म है क्या, गुल्म माने किसी भी जगह पे पेन आपको होता है क्या। फिर व्यान वायु आता है, व्याने रुधिर स्थित, छाती में धड़धड़ होती है क्या, घबराहट होती है क्या। फिर आया अपान। अपान में आपका मल मूत्र आर्तव, इसका जो आपका पेट सही तरीके से साफ होता है क्या, आपका अगर फीमेल है तो उसका हर महीना मेंसेस रेगुलर आता है क्या, आता है तो किस प्रकार से आता है, कितना दिन जाता है, कितने पैड्स ये होते हैं, स्वरूप कैसा है, वही प्रकार मूत्र में है, मूत्र प्रवृत्ति कैसी होती है, रात को उठते हैं क्या, ये सारी बातें आपको पूछना है। वात में, पित्त में सिर्फ अगर नाड़ी परीक्षण करेंगे तो पित्त में सिर्फ पाचक पित्त हमें दिखता है, वात में पांच ही प्रकार आपको नाड़ी में सहजता से दिखेंगे, लेकिन पित्त में पाचक पित्त अधिक मात्रा में दिखता है। तो पित्त में आपको यही पूछना है कि क्योंकि पित्त का मेन स्रोत पाचक पित्त है, उसको कंट्रोल करने वाला यकृत है, कि जब भी कभी पित्त की विकृति होगी तब तब यकृत की भी विकृति आपको दिखाई देती है। तो पित्त में आपको उनको पूछना है कि पाचन संस्था सही तरीके से हो रही है क्या, छाती में जल बर्निंग सेंसेशन है क्या। फिर बाद में कफदोष है। कफदोष, कफ माने शोत, सूत्र स्थान में अगर आप शारीर स्थान अगर खोल के देखेंगे तो वहां पे बताया गया है
कि शोथ माने कफ, शोथ माने कफ। तो कफ दोष का एक ही लक्षण अगर आपने पूछेंगे कि प्रसेकम, प्रसेकम आलस्यम गौरवम, मतलब ज्यादा मात्रा में लिक्विड फॉर्मेशन होना यानी शोथ उत्पन्न होना, इंटर सेल्यूलर फ्लूड का एक्यूमुलेशन होना, दैट इज शोथ। तो शरीर पे कहां पे भी शोथ है क्या वो समझना बहुत जरूरी है, वो उनको पूछना है। तो अगर पाव में है तो फिटिंग इडिमा है, या घुटनों में है तो उसमें सहशूल वेदना है, या अगर चेस्ट में पेन है या शोथ है, तो हर प्रकार का शोथ को आपको पूछना है पेशेंट को। ये एक सिंगल केस पेपर टेकिंग है। देखिए ये प्राइमरी थिंग है, वात व्याधि के परिसंवाद में ये जानना बहुत जरूरी है कि केस टेकिंग कैसा होना है। लेमैन्स के लैंग्वेज में लिखा हुआ जो सिम्टम्स है वो आपको लिखना है, उसको उसकी लैंग्वेज में सवाल पूछिए, उसको समझ में आने वाले लैंग्वेज में सवाल पूछ के उसको कंफर्टेबल करके उसमें उसको जो तकलीफ है वो निकाल के लीजिए। फिर धातु पूछिए, दोष पूछिए, मल पूछिए, स्रोतस में कौन कौन सी दृष्टि है वो लिखिए, और इसके बाद जो अष्टविध परीक्षण है पेशेंट को बेड पे लेने के बाद, जीवा परीक्षण है, नाड़ी परीक्षण है, मल मूत्र कोष्ठ, एब्डोमन परीक्षण, अग्नि प्रकृति सारता, इन सारों को आपको पेशेंट को एग्जामिनेशन करते वक्त जांचना है, पहचानना है और उसकी प्रकृति का विनिश्चय करना है। प्रकृति का विनिश्चय हो जाने के बाद जो जो धातु में दोषों में मल में दृष्टि आपको दिखी है वो आपको लिखना है। निदान तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, दृष्टि क्या क्या हुई उतना लिख के लो। समझो अगर वात व्याधि का पेशेंट है उसमें रस धातु में दृष्टि है, मांस में दृष्टि है, अस्थि में दृष्टि है, मज्जा में दृष्टि है, समान वायु में है, अपान वायु में है, पाचक पित्त में है, कफ दोष में है, ये सारे लिख के लीजिए। फिर उसके बाद कौन से दोषों में अधिकता है वो लिखिए, कौन से धातुओं में अधिकता दिखी दृष्टि की वो लिखिए, और फिर दीपन पाचन शोधन रसायन ये थ्योरी से ट्रीटमेंट की कोशिश करना है। दीपन जो जो धातु में आपको दृष्टि दिखी है, समझो रसपाचक, मांसपाचक, अस्थिपाचक, मज्जापाचक, दोषों, फिर कफ दोष है,